हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स चैप्टर टू। स्टूडेंट्स, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नीचे मेरे नंबर 9690653773 पर आपको प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, साथ में मेरी मेल आईडी atulp024@gmail.com भी दी गई है। तो आप लोगों के हेल्प के लिए एक नई वीडियो आपसे स्टार्ट करते हैं, चैप्टर टू पॉलिनोमियल। सबसे पहले इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन, क्लास नाइन्थ में यू हैव स्टडी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज। रिकॉल दैट इट px इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए रिप्रेजेंट किया गया है px इन x। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उस पावर को बोलते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री। For example, 4x plus 2 is a polynomial in a variable x of a degree 1. 2y square minus 3y plus 4 is a polynomial in the variable y of degree 2. 5x cube minus 4x square plus x minus root 2 is a polynomial in the variable x of degree 3. And 7u k power 6 minus 3 upon 2y u k power 4 प्लस 4 यू का स्क्वायर प्लस यू माइनस 8 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल यू ऑफ अ डिग्री 6। एक्सप्रेशन लाइक 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अंडर रूट एक्स प्लस 2 1 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 3 एटसेट्रा आर नॉट अ पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। वेरी सिंपल स्टूडेंट, हमने इस पॉलिनोमियल में आज जो सीखा उसमें लिखा है कि डिग्री, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो है उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और अगर डिग्री 3 है तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल के जीरोज के बारे में। Here the graph cut x-axis at a two distinct point A and A dash. The x coordinate of x A dash are the two zeros of the quadratic polynomial x AX square plus BX plus C in this case. ग्राफ आपके सामने दो दिखाया गया है, जो ग्राफ में दो जगह आपको यह जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यानी एक्स की दो वैल्यू आपको मिल गई। तो यानी दो वैल्यू मिल गई, इससे साबित होता है कि एक्स की दो वैल्यू तभी मिलती है जब वह क्यूबिक यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। सॉरी, क्वाड्रेटिक में दो वैल्यू मिलती है, क्यूबिक में तीन वैल्यू मिलती है, लिनियर में वन वैल्यू मिलती है। तो यहां पर हमारे पास एक्स की दो वैल्यू मिल रही है, तो सीधी सी बात है यह हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचा गया है। नाउ स्टूडेंट्स, केस टू। हेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, दैट इज एट टू कॉन्सिडेंट पॉइंट, सो दैट टू पॉइंट ए एंड ए डैश ऑफ द केस फर्स्ट कॉन्साइड हियर बिकम वन पॉइंट ए। हम यहां देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ केवल एक जगह कट कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है, यानी केस वन में जो हमारे पास दो पॉइंट थे ए ए डैश, वो अब जो है एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करके एक ए बना दे रहे हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज ओनली जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इन दिस केस, द टू वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज सेम इक्वल वैल्यू। थर्ड केस, हेयर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली एबव द एक्स एक्सिस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, तो सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज नो जीरो इन दिस केस। अगर एक्स एक्सिस को हमारा पॉलिनोमियल कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस पॉलिनोमियल की कोई जीरो नहीं है। तो स्टूडेंट, हम अपनी स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो ऑफ पी एक्स इन ईच केस। आपको इस पॉलिनोमियल में एक जो है हमारा ग्राफ दिखाया गया है, और इससे साबित होता है कि ये x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। सो द नंबर ऑफ जीरो इज जीरो एज अ ग्राफ डज नॉट कट द x एक्सिस एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं स्टूडेंट। यहां पर हम देख रहे हैं कि यह ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को सिंगल टाइम एक बार कट कर रहा है। द नंबर ऑफ द जीरोज इज ए वन एज द ग्राफ इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, सो जीरो इज वन।
थर्ड ग्राफ की बात करते हैं, इसमें हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को तीन जगह कट कर रहा है। द नंबर ऑफ जीरोज इज थ्री एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट थ्री पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ द जीरोज इज टू एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट टू पॉइंट्स। यानी हमारा ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसके जीरोज की संख्या भी दो होगी। In this graph, fifth portion, there is a four intersecting point. The number of the zero is four. The graph intersects the x-axis at four points. Sixth portion, here is a one, two, three. There are three intersecting points. The number of the zeros is three as the graph intersects the x-axis at three points. So, students, अब बात करते हैं relationship between zeros and coefficient of a polynomial. In general, अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जीरो। देन यू कैन नो दैट एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पी एक्स। देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के ब्रैकेट में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट। के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन द बोथ साइड वी गेट ए इज इक्वल टू के बी इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड सी इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हियर अल्फा बीटा आर ग्रीक लेटर प्रोनाउंस एज अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। वी विल यूज लेटर वन मोर देन गामा प्रोनाउंस एज अ गामा। इन अ जनरल इट कैन बी प्रूव दैट अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। सो अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.2। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट by middle term splitting there is a 2 factor x minus 4 x plus 2. The value of x square minus 2x minus 8 is a 0 when x minus 4 equal to 0, x plus 2 is equal to 0, x equal to 4, x equal to minus 2. Therefore the zeros of x square minus 2x minus 8 are 4 and minus 2. Sum of zeros 4 minus 2 is equal to 2 minus bracket mein minus 2 upon 1 is equal to minus coefficient of x of coefficient of x square. Product of zeros 4 into minus 2 is equal to minus 8 minus 8 upon when constant term upon coefficient of x square. Second portion 4s square minus 4s plus 1 equal to 2s minus 1 ka whole square. The value of 4s square minus 4s plus 1 is 0 where 2s minus 1 equal to 0. S equal to 1 upon 2. Therefore the zeros of 4s square minus 4s plus 1 are 1 upon 2 and 1 upon 2. Sum of zeros, coefficient of minus coefficient of s upon my coefficient of s square is equal to minus plus minus 4 upon 4. Product of zeros equal to 1 upon 2 into 1 upon 2, that is 1 upon 4. Constant term upon coefficient of s square. Third, 6x square minus 3 minus 7x, that is a 6x square minus 7x minus 3. The factor is 3x plus 1, 2x minus 3. The value of 6x square minus 3 minus 7x is 0 when 3x plus 1 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 0. The value of x equal to minus 1 upon 3 and x equal to 3 upon 2. Therefore, the zeros of 6x square minus 3 minus 7x are minus 1 upon 3 and 3 upon 2. Sum of the 0 and product of the 0, sum of the 0 is equal to 7 upon 6 and product of the 0 is equal to minus 1 upon 2. So, next portion, 4u square plus 8u, 4u square plus 8u plus 0, 4u bracket mein u plus 2,
द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 व्हेन 4u इक्वल टू 0 u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 u इक्वल टू 0 u इक्वल टू माइनस 2 देयरफॉर द जीरोस ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u आर 0 एंड माइनस 2 सम ऑफ द जीरोस माइनस 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 फिफ्थ पोर्शन t square minus 15, t square minus 0 into t minus 15, two factors are t minus root 5 and t plus root 5. The value of t square minus 15 is 0 when t minus root 5 is equal to 0, t plus root 5 is 0, when the t is equal to 15, under root 15 and t is equal to minus under root 15. So, we use the coefficient of here is the alpha plus beta, alpha into beta, alpha plus beta is equal to 0, alpha into beta is equal to minus 15. Find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively. First 1 upon 4 comma minus 1, alpha plus beta is equal to 1 upon 4, alpha into beta is equal to minus 1. So quadratic equation is 4x square minus x minus 4. Root 2 1 upon 3 alpha plus beta is equal to root 2 alpha into beta is equal to 1 upon 3 the quadratic polynomial is 3x square minus 3 root 2x plus 1 third alpha plus beta is equal to 0 alpha into beta is root 5 the quadratic polynomial is x square plus root 5 fourth alpha plus beta is 1 alpha into beta is 1 therefore the quadratic polynomial x square minus x plus 1 fifth alpha plus beta is equal to 1 minus 1 upon 4 and alpha into beta is 1 upon 4 using this property get we have a quadratic formula x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta substituting alpha plus beta alpha into beta the value get the quadratic equation so students thank you for watching my video aap ise dhyan se apne questions ko solve karein कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट स्टे एट होम आप अपने घर पे रहें बी हैप्पी खुश रहें और स्टूडेंट्स आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू